हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन कह रहा है एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर डिक्रीजेस बाय 190 टोर वन सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब उसका खुद का कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा अंडर गिवन कंडीशंस द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज तो मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में क्या रहेगा बच्चों देखो यहां पर ध्यान से देखना बच्चों 373 केल्विन ये क्या होता है बच्चों ये होता है बॉइलिंग पॉइंट किसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का

अब जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो यहाँ पर जैसे सरफेस के आपके पार्टिकल्स जा रहे होंगे बच्चों वेपर फेज में अभी चार जा रहे थे मान लो चार में से दो की जगह पे कौन बैठ गया मान लो आपका सोल्यूट आके बैठ गया तो चार में से दो ही जा पाएंगे बच्चों तो क्या होगा बच्चों वे जो प्रेशर कम लगा पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना बच्चों क्या हो गया बच्चों वेपर प्रेशर कम हो गया बच्चों ओके तो जो आप सोल्यूशन बनेगा ना बच्चों नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर मान लो पी है क्या है बच्चों पी है तो पी की वैल्यू ना पी नोट एच टू से कम रहेगी अब यही डिफरेंस हमें बता रखा पी माइनस पी नोट एच टू किसके इक्वल है बच्चों ये वन नाइनटी टोर के इक्वल है डिक्रीज इज बाय लिख रहा है ना बच्चों के इतनी वैल्यू कम हो जाएगी बच्चों मतलब वन नाइन टोर है अब देखो ये पी माइनस पी नोट इसको बोलते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जब आप इसको पी नोट एच टो से डिवाइड कर दोगे ओके बच्चों तो ये बन जाती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके बच्चों पी माइनस पी नोट नॉट ये क्या होती है रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर होती है बच्चों जो कि कोलिगेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है ना कि उसके नेचर पे और ये इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलूट के यहाँ पर इक्वल होती है बच्चों अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही हमें निकालना है बच्चों ओके okay, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही हमें निकालना है लेकिन निकाले कैसे क्योंकि हमारे पास पी नोट एच टू तो है नहीं बच्चों अब यहां पर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इक्वल आता है बच्चों एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल बच्चों मतलब या कहो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ओके okay, तो थ्री सेवेंटी क्या है बच्चों ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का मतलब यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर होगा ना बच्चों ओके मतलब जो पी नोट एच टू होगा ना वो एटमोस्फेरिक प्रेशर वन एटीएम इक्वल होगा और वन एटीएम टोर में किसके इक्वल होता है बच्चों सेवन सिक्सटी टोर के इक्वल होता है ओके बच्चो देर फोर देयर फोर मोल फ्रैक्शन इक्वल टू लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज वन नाइनटी टोर अपॉन एटमोस्फेरिक प्रेशर विच इज सेवन टॉर या पी नोट एच टू यहां पर गिवन कंडीशन में ये गया बच्चों ये आ जाएगा आपका कितना जीरो पॉइंट टू फाइव करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा थैंक यू बच्चों